अस्सलाम वालेकुम। आई एम लास्ट आवर टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री डेंटी। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस हमारे पास होता है बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के दरमियान हमारे पास जो फासला होता है, लेट्स सी हमारे पास पॉइंट ए है एक्स वन वाई वन एंड बी पॉइंट है एक्स टू y2 और d, ये हमारे पास इनके दरमियान क्या डिस्टेंस है हम फाइंड करना चाहते हैं बाय फार्मूला x1 माइनस x2 और स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो हम स्टार्ट में x1 भी ले सकते हैं, स्टार्ट में x2 भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो दिस फंडामेंटल लॉ वो गेन ऑल दिस फंडामेंटल लॉ। तो फर्स्ट अब हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। वो गेन दिस फंडामेंटल लॉ बाय दिस लेट बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा। जहाँ पे भी स्लाब में बेटा लिखा हुआ है पॉजिटिव बेटा, वहां पे हम लोगों ने क्या पुट कर देना है नेगेटिव बेटा पुट कर देना। कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ माइनस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ माइनस बीटा। तो बच्चे एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जो कॉस ऑफ बीटा मीन कि ये हमारे पास कॉस ऑफ बीटा माइनस में आ रहा है, तो कॉस नेगेटिव साइन को अपने अंदर मर्ज कर लेता है, तो नेगेटिव कॉस किस में चला जाता है ओनली दिस ओनली कॉस। कॉस का रिवर्स हमारे पास होता है सीकेंट, तो ओनली कॉस एंगल हमारे पास जो होता है वो नेगेटिव साइन को मर्ज करता है। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो नेगेटिव साइन को मर्ज नहीं करते, वो नेगेटिव अलग सी साइन नेगेटिव बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ बीटा। तो ये हमारे पास माइनस साइन में आ रहा है, तो ये माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा तो कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा ये नेगेटिव साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। तो अब हमारे पास है थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इस सामने क्या करना है प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सम कॉस ऑफ अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो लेट इससे हमने प्रूव किया, इसको अभी से प्रूव करेंगे। इसको लेट करें अल्फा हमारे पास है पाई बाय टू ओवर प्लस अल्फा, तो जहां पे भी अल्फा लिखा हुआ वहां पे हमने क्या पुट कर देना पाई बाय टू प्लस अल्फा पाई बाय टू प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास एक एंगल और दूसरा सेकंड हमारे पास ही कॉस पाई बाय टू प्लस अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन पाई बाय टू ये अल्फा की जगह हमने क्या पुट कर दिया साइन ऑफ बीटा। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास कॉस ऑफ बीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन कॉस ऑफ अल्फा नेक्स्ट हमारे पास साइन ऑफ बीटा। तो ये माइनस दोनों में नेगेटिव आ रहा है तो हम नेगेटिव साइन क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो अगेन हमारे पास यही आ जाएगी। तो ये वाली आप लोगों ने डू योर सेल्फ करने मीन कि आप लोगों ने ये खुद ट्राई करना है। तो ये हमारे पास डिडक्शन ऑफ फंडामेंटल है, नेक्स्ट हम लोग इसको अभी मीन के सॉल्व करके देखेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है
टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ बीटा, तो लेफ्ट साइड हम लेंगे तो प्रूव हमने क्या करनी है, राइट साइड प्रूव करनी है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा, तो हमें एज वी नो दैट टेन इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा भी हमने प्रूव किया ये किसके इक्वल होते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा एंगल, तो ये हमारे पास होता है साइन सॉरी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा, तो इसको हमने डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, क्यों ये एग्जाम में हमारे पास क्या आंसर है वन, तो ये चेक करें कॉस ऑफ अल्फा और क्या हमारे पास है कॉस ऑफ बीटा, तो इसको अगर हम इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा वन आएगा, तो सारी टर्म को हमने किस पे डिवाइड कर दिया कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा पे, साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा ओवर कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, सेम वैल्यू हम मल्टीपल में सेम वैल्यू ओवर में फॉर्म में ओवर फॉर्म में आ रहे तो हम इसको क्या कर देते हैं कैंसिल, तो साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, तो ये हमारा साइन ओवर कॉस किस तरीके होता है टेन, तो टेन ऑफ अल्फा, सिमिलरली ये हमारे पास आ जाएगा टेन ऑफ बीटा ये वन आ रहा है, ये साइन ओवर कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है टेन अल्फा, ये साइन बीटा और कॉस बीटा, तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है टेन ऑफ बीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू नेक्स्ट ये वाला आप लोगों ने ला डू योर सेल्फ, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इसको प्रूव किया ऐसे ही आप लोगों ने इसको भी प्रूव करना है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास है अलाइड एंगल, एज वी नो दैट जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने किया दे आर फोर क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा स्टार्ट से होता है 0 से 90 180 270 360, तो पाई बाय टू दिस विल बी इक्वल टू पाई बाय टू दिस पाई दिस 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, तो अब हम लोगों ने अलाइड एंगल चेक करना है बच्चे, एनी नंबर मल्टीपल ऑफ राइट एंगल ट्राई एंगल, ये हमारे पास 0 से 90 डिफरेंस 90 का, 90 से 180 डिफरेंस 90 का, 90 से 180 से 270 डिफरेंस 90 का, और हमें पता है जो राइट एंगल ट्राई एंगल होती है वो किसके इक्वल होता है, उसका एंगल 90 डिग्री के होता है, तो इनका डिफरेंस अगर आप लोग चेक करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो अलाइड एंगल हमारे पास होते हैं 90 प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा, तो दिस विल बी इक्वल मे और मे मीन के एंगल हमारे पास, ये अगर हमारे पास क्लॉकवाइज फॉर्म में है तो ये होगा नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में है तो ये हमारे पास किस फॉर्म में होगा पॉजिटिव फॉर्म में होगा, मीन के एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दिस विल बी इक्वल टू अलाइड एंगल। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ अ फंडामेंटल लॉ वी गेन फॉलोइंग डेरिवेटिव्स, लेट्स सी साइन पाई माइनस थीटा, तो लेट इसको करें, ये हमारे पास अल्फा है ये हमारे पास क्या है बीटा है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है फार्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा वो होता है हमारे पास साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ साइन ऑफ बीटा, तो अल्फा हमारा किसके इक्वल है पाई के, बीटा हमारा थीटा के, कॉस पाई साइन थीटा, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास साइन की वैल्यू जीरो होती है, मीन की 2 पाई पाई जीरो
इस पे यहाँ पे जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो मीन के ये हमारे पास पाई है तो यहाँ किस एक्सिस पे लाइज कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या होगी कॉस 180 की अगर आप कैलकुलेटर में वैल्यू चेक करें तो किसके इक्वल आएगी 0। सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा और कॉस 180 मीन की एक्स एक्सिस पे कॉस वैल्यू देता है साइन नहीं देता, सिमिलरली वाई एक्सिस पे साइन वैल्यू देता है एक्स नहीं देता, तो पाई हमारा किस पे आ रहा है एक्स एक्सिस, तो कॉस 180 वो इक्वल हमारे पास होता है -1 साइन ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -sin ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास जो रिडक्शन ऑफ फंडामेंटल आज इस फंडामेंटल आप वो गेन फॉलोइंग आइडेंटिटी, तो आप लोगों के पास डिफरेंट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं उसको आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या कर लेना चेक कर लेना, क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे नेक्स्ट ऐसे सॉल्व हो जाएंगे।